नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही के चैनल मिशन 2030 में। बात करेंगे आज एक ऐसे स्टॉक की जिसका नाम आप सबने सुना होगा और जनरली आपके घरों के अंदर, जी हाँ, उसका जो प्रोडक्ट है आपके घर के अंदर पक्का रखा होगा, ठीक है। और घरों के अंदर आपने नहीं देखा होगा, आपने स्कूल में देखा होगा, आपने अपने कॉलेज में देखा होगा या आपने अपने किसी दोस्त के घर देखा होगा, कहीं देखा ही होगा। तो कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंपनी जो है प्रॉफिट जो है डेली क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज करती जा रही है, उस सबको हम फंडामेंटली स्टडी करेंगे। और अगेन मेरी पसंद, जैसे कि आप जानते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप साइज की होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गुंजाइश रहती है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस रहता है पैसे को 2x, 3x और 5x और कुछ कहीं हद तक 5x से लेके 10x तक के बीच में ले जाने का। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो वीडियोस मैंने पोस्ट करी हैं आप देख सकते हैं, ऑल आर माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो जो कि है, देखते हैं जरा इसको, इसके फंडामेंटल पे नजर डालते हैं। मार्केट कैप 852 करोड़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई छोटे साइज की ही कंपनी है, बट आप देखेंगे फंडामेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 19.5% है, स्टॉक की पी 11.2 है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन भी जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है 240 के प्राइस पे, अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहा है, सस्ता ट्रेड कर रहा है। ऊपर से कम 20-25% करेक्ट भी है, जो इसका 52 वीक हाई है 311 रुपए का और 105 रुपए का इसमें लो लगा है। बात करते हैं रिटर्न की, ये देखिए पूरे एक साल के रिटर्न 52.5% है, 3 साल के रिटर्न 29.5% है एंड 5 साल के रिटर्न 14.2% के हिसाब से इस कंपनी ने दिए हैं। कंपनी का भाव वैल्यूएशन जो फ्यूचर में क्या होने वाली है वो भी हमको पैग रेशियो अच्छी बता रहा है 0.52। इसका मतलब वैल्यूएशन हमें फ्यूचर में जो इसका रेट हो सकता है उसके नीचे ही मिल रही है आज की डेट में भी। इंट्रिंसिक वैल्यू 183 है, 240 पे ट्रेड कर रहा है, ज्यादा ऊपर है नहीं, उसके आसपास ही। अर्निंग पर शेयर 21.5 है, आप देख सकते हैं। डेट कंपनी के ऊपर मात्र बहुत थोड़ा सा है, 3.10 करोड़, जो कि कंपनी छुपा सकती है। सबसे ज्यादा आपको आंखें खुली रह जाएंगी इसके क्वार्टरली रिजल्ट को हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आ रही है, तो सॉरी ये तो लग गया इसका, करेक्ट, ये है दिसंबर 278 करोड़ की सेल्स है, लास्ट सितंबर वाले क्वार्टर में 291 करोड़ की सेल्स है, जून 2022 वाले क्वार्टर में 293 करोड़ की सेल्स है, उससे पीछे 269 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप 15, 21, 30, 35 इंक्रीज इंक्रीज ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है। और नेट प्रॉफिट आपने सबको देनदारी अपनी निपटा दी 27 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 22 करोड़, उससे लास्ट क्वार्टर में 16 करोड़, उससे लास्ट क्वार्टर में 12 करोड़, इट मीन्स फ्लाइंग, ठीक है। यही चीज आपको इसके अर्निंग पर शेयर में भी दिखेगी, फिलहाल कितना है 7.56, उससे लास्ट क्वार्टर में 6.24, उससे लास्ट क्वार्टर में 4.40। और ये कोई साइक्लिक बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है। आप बने रहिए, मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ। अब ईयरली देखते हैं, अगर आप साल भर का लेखा जोखा देखते हैं तो लास्ट ईयर जो इसकी सेल्स थी 904 करोड़ की थी, उससे लास्ट ईयर जो सेल थी 711 करोड़ की थी, उससे लास्ट ईयर जो सेल थी 726 करोड़ की सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 डबल हो गया बाबूजी पिछले साल के 53 करोड़ से, उससे पीछे 38 करोड़ से, रीजन क्या है वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। नेट प्रॉफिट 76 करोड़, लास्ट ईयर का था 40 करोड़, और ये मेरे को लगता है 80-90 करोड़ के बीच में चला जाएगा, क्योंकि TTM में अभी एक क्वार्टर बाकी है, एक क्वार्टर हम आगे खिसकेंगे और इस टाइप के बिजनेसेस की डिमांड बढ़ती जाएगी। नाम है कंपनी का डी लिंक इंडिया, ठीक है, इसके मॉडम घर घर में लगे हुए हैं, राउटर ये सब, ठीक है। इट ऑपरेट्स थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सोल्यूशन विद नेशन वाइड रीच अक्रॉस इंडिया। देखिए जितना ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आता जाएगा ना, ठीक है, जितना हम चीजों को डिजिटाइज करते जाएंगे, जितना हम अपनी चीजों को ऑटोमेटेड करते जाएंगे, उतना हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, उतना हमें क्या कहते हैं अपने चीजों को स्मार्ट
स्मार्टली कन्वर्ट करने के लिए हमको इंटरनेट नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें ये कंपनी के प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो दबा के हो रही है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया, सर्विलेंस हो गए, राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, वायरलेस डिवाइसेस हो गए, राउटर, ये देखिए आप नेटवर्क सिक्योरिटी में हो गया, सर्विलेंस हो गया कंज्यूमर में, और ये तो हमने तो इसके प्रोडक्ट घरों घरों में देखे हैं भाई। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी इसके प्रोडक्ट लगे हुए हैं, बड़े बड़े राउटर्स लगे हुए हैं। तो मैं काफी बुलिश हूँ इस कंपनी पे। आप भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। हो सकता है भैया ये 240 का भाव आपको एक दिन 1000 रुपए दिख जाए, अगले 2 से 3 सालों में पैसा 2x से 3x 4x हो जाए, ठीक है। तो स्टडी करिए, रिसर्च करिए, अपने दोस्तों यारों से सलाह लीजिए। मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, बिजनेस बेसिकली अच्छा लग रहा है, चीजें डिजिटाइज होती ही चली जाएंगी, ठीक है। और जितनी कागज पे काम धाम जितना चलता है, ये सब आपका डिजिटाइज होता ही जाएगा, सब आपका मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू घर में अवेलेबल होगा। उतनी ज्यादा चीजें आप देखेंगे, जितना स्मार्ट सिटी कन्वर्ट हो रहा है, स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर की कितनी लाइनें बिछती रहती हैं, तो उन लाइनों को बिछा के आप करोगे क्या भैया, उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि नहीं कर, उसके लिए भैया स्विचेस की और राउटर्स की बहुत जरूरत होती है। ये दो जो चीज है इस कंपनी की दबा के बिक्री, ठीक है, सबसे नंबर वन है इस चीज में। चले दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।